ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं आधी आबादी पूरा सच। कोशिश है आधी आबादी को समुचित हक दिलवाने का। हक दिलवाने का काम सरकारों का है, लेकिन अधिकारों को हासिल करने का काम उस आधी आबादी का है जिसके बिना समाज का पहिया चल नहीं सकता है। जिस किसी ने इस सच्चाई को समझ लिया, मानो वो जिंदगी की जंग में बादशाह बनकर निकला। जिसने नहीं समझा, वो हमेशा उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन की कवायद कभी कभी जिंदगी को दुराहे पर खड़ा कर देती है। उस वक्त तय करना होता है रास्ता कौन सा सही है। सही और गलत का पैमाना भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तय किया है हमारे समाज ने। लेकिन दक्षिण भारत की एक बेटी ने तय किया कि सही और गलत का फैसला वो खुद करेगी। इसलिए निकल पड़ी भीड़ से अलग, लेकिन पहुंच गई भीड़ के बीच। श्रोताओं, मेरी आज की कहानी है बल्ला बोलता है। बल्ला चाहे सचिन तेंदुलकर का हो या फिर मिथाली राज का, बल्ले पर अगर मेहनत की गई हो तो उसको रनों की बौछार करनी ही पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हैदराबाद की एक लड़की क्रिकेट की दुनिया में उस रिकॉर्ड को बनाने में कामयाब हुई जो कोई भारतीय पुरुष क्रिकेटर भी नहीं बना पाया। श्रोताओं, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज देश की पहली महिला कप्तान है जो विश्व कप के फाइनल में दो बार पहुंची है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी पुरुष क्रिकेटर ने भी ये रिकॉर्ड नहीं बनाया है। मिथाली राज दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन ऐसा भी था जब मिथाली के पास बल्ला खरीदने का पैसा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि मिथाली बेहद आलसी लड़की थी? क्या आप जानते हैं कि मिथाली के पापा उनके भाई को क्रिकेटर बनाना चाहते थे, न कि मिथाली को? अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते हैं तो जानिए मेरे साथ। आज भारत की स्टार क्रिकेटर मिथाली राज की कहानी आप सुन रहे हैं। उनके नाम दर्ज है अनगिनत रिकॉर्ड। शुरुआत 1993 में हुई जब मिथाली राज 9 साल की उम्र में सब जूनियर स्टेट टीम में शामिल हो गई। 1997 में वर्ल्ड कप में 13 साल की उम्र में सीनियर टीम में भी पहली बार शामिल हुई। मिथाली राज ने 7 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उस वक्त हैदराबाद की एकेडमी में सैकड़ों लड़कों के बीच वो अकेली लड़की होती थी। बहुत मजाक उड़ाया जाता, लड़के बहुत कुछ बोलते थे, लड़कों के माता पिता भी हैरानी वाली नजरों से देखते, कई बार टोक भी देते थे, सवाल भी पूछते थे, क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो, ये लड़कियों का काम नहीं। लेकिन श्रोताओं, मिथाली के पहले कोच संपत कुमार ने 1993 में भविष्यवाणी की थी कि वे दुनिया में अनगिनत रिकॉर्ड बनाएगी। मिथाली के कोच संपत कुमार ने दावा किया था कि वे 14 साल से कम उम्र में भारतीय टीम में शामिल होंगी। और श्रोताओं, ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1997 में महज 13 साल की उम्र में भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम में जगह बना ली मिथाली ने। श्रोताओं, याद होगा आपको 23 जुलाई 2017 का दिन, बल्कि कहना चाहिए रात, जब पूरे देश ने सारा काम छोड़कर महिला वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को देखते समय अपनी धड़कन बढ़ाई थी। ये मैच भारतीय टीम नहीं जीत पाई, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप फाइनल के दिन मिथाली की टीम के लिए जो ट्वीट किया था, उसे रिकॉर्ड लाइक मिले थे। अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि ये जंग भले ही आप हार गए हों, लेकिन देश का दिल जीत लिया है। श्रोताओं, 1997 से 2017 यानी पूरे 20 साल की तपस्या का नतीजा था 23 जुलाई 2017 का वो दिन। वर्ल्ड कप का फाइनल तो नहीं जीत पाए, लेकिन मेहनत उसके बाद भी जारी रखी। शुरुआत किया था तो मुझे भी खुद नहीं पता था कि हमारे इंडियन टीम है, वुमेन्स टीम है, और जैसे शांतरंगा स्वामी या डायना एडुलजी जैसे बड़े नाम एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने उस वक्त खेला जब वुमेन्स क्रिकेट में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। वहाँ से आज जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, जब वो कैंप्स पे आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे लड़कियाँ आती हैं, 8 साल 7 साल की लड़कियाँ, और उनको इंडिया खेलना होता है। श्रोताओं, दरअसल उनके पिता दोराई राज अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते थे,
बेटी को भी अनुशासन में रखने के लिए साथ लेकर जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बेटी ने बल्ला हाथ में उठाया तो कोच ने कहा, बेटे से ज्यादा अच्छा बेटी खेलती है। तो आज से 28 साल पहले यानी कि 1991 में हैदराबाद की सेंट जॉन्स एकेडमी में खेलने वाली ये पहली लड़की थी। पिता ने फैसला लिया कि बेटी को भी बड़ा खिलाड़ी बनाऊंगा। 1991 के उस दौर में किसी भी पिता के लिए ये काफी कठिन फैसला था। शुरुआती सालों में सैकड़ों लड़कों के बीच अकेली लड़की प्रैक्टिस करती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन पिता ने बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए तय किया कि वो इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। लोगों की तो छोड़िए, मिथाली की मम्मी भी खुश नहीं थी। उन्हें भी लगता था कि ये लड़कियों का काम नहीं है। इसीलिए माँ ने बेटी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलाई, क्योंकि वे क्रिकेट खेलते हुए बेटी को देखना नहीं चाहती थी। मिथाली राज की माँ उन्हें लड़कियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले कला के क्षेत्र में भेजना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जिसको चमकना होता है वो अंधेरों से नहीं डरता। एक तो मैं बहुत ही कम उम्र में शुरू किया था। आई वॉज 9.5 ईयर्स ओल्ड जब मैंने पहली बार इस कैंप में आई थी, और उसी साल मैं अंडर 16 स्टेट लेवल के लिए सेलेक्ट हुई, अंडर 19 के लिए स्टेट सेलेक्ट हुई हूँ। तो जब आप घर इतने छोटे उम्र में छोड़ते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ हर टूर पे हो या हर इवेंट पे, हर टूर्नामेंट में आपके साथ रहे, तो ये टीम गेम होते हैं जहाँ पे आपको टीम के साथ ट्रैवल करना होता है, आपको अपना खुद देखभाल करना होता है। तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं एक फ्रेंड्स बनाऊँ, क्योंकि मेरे उम्र के तो थे ही नहीं टीम पे। मिथाली के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन जितनी शान से वो मैदान में बल्ला चलाती हैं, उतनी ही मुखर आवाज भी है। अमिताभ बच्चन साहब ने भी उनकी बेबाकी के लिए शाबाशी दी थी, जब विश्व कप से पहले एक रिपोर्टर को दो टूक जवाब दिया था। याद है आपको श्रोताओं, विश्व कप के लिए रवाना हो रही थी तब एक पत्रकार ने पूछा, आप कौन से पुरुष खिलाड़ी की तरह खेलना चाहती हैं? और जवाब मिला पत्रकार महोदय को, क्या आप किसी पुरुष क्रिकेटर से भी ये सवाल करेंगे कि आप किस महिला क्रिकेटर की तरह खेलना चाहते हैं? श्रोताओं, मिथाली राज के इस जवाब में पिछले 28 सालों का दर्द था, जो हर साल, हर महीने, हर सप्ताह, हर घंटे, हर मिनट छेला था। मेंस क्रिकेट काफी पहले से ही उस लेवल पे है कि लोग उस स्पोर्ट को बहुत मानते हैं, और कोई भी मैच हो हम देख सकते हैं कि हर कोई टीवी के लिए ग्लूड है कि वो मैचेस देखें। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट के मैचेस ज्यादा टेलीवाइज नहीं होती है, तो जब टेलीवाइजेशन नहीं होती है तो लोगों को दिखता कैसे है, लोग कैसे फॉलो करें उसको। अभी 2-3 साल से ही मैचेस उतनी रेगुलरिटी से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैचेस टेलीवाइज होते हैं, जिसके वजह से ही लोग उन थोड़े मैचेस से ही लोग इतना पहचानने लगे वुमेन क्रिकेटर्स को, और हम कहाँ पे खेलते हैं, क्या परफॉर्मेंस है टीम की। तो अगर रेगुलर मैचेस टेलीवाइज होते हैं तो डेफिनेटली वुमेन्स क्रिकेट भी उस लेवल तक आ सकता है जहाँ पे आज मेन्स क्रिकेट हो, जहाँ पे लोग हर मैच देखते हैं। मिथाली ने वो दौर भी देखा जब बल्ला खरीदने के लिए पिता को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन ये लड़की चुपचाप अपना काम करती रही, क्रिकेट पर फोकस करने के लिए शादी भी नहीं की। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली ये क्रिकेटर काफी व्यवहारिक भी है, अपनी जड़ों को भूलती नहीं, जानती है कि चिल्लाने से पुरुष टीम के बराबर फीस मुमकिन नहीं, इसलिए अपील करती है बीसीसीआई से कि इस तरफ ध्यान दे। मैं भी मानती हूँ कि जब हमारा रेवेन्यू वुमेन्स क्रिकेट जनरेट कर सकता है वो अभी उतना नहीं कर पा रहा जितना मेंस क्रिकेट करता है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो या उनकी जो मैच फीस है काफी हाई है हमारे से। लेकिन यस, कि अगर हम प्रमोशन और अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं वुमेन्स क्रिकेट की, तो मे बी जो करंट स्थिति है हमारी उससे बेटर हो सकता है। आत्मविश्वास का दूसरा नाम बन चुकी मिथाली बेहद संतुलित बोलती है, आज भी प्रैक्टिस को कभी मिस नहीं करती। भूली नहीं है उन दिनों को जब खेलना शुरू किया था तो ये मालूम नहीं था कि देश की कोई महिला टीम भी है। 90 के दशक में स्थिति काफी खराब थी, महिला खिलाड़ियों को सिर्फ उपेक्षा मिलती थी, लेकिन आज बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू किया है तो उसमें मिथाली राज का बड़ा योगदान है।
और योगदान उनके पिता का उससे भी बड़ा है, जिन्होंने 80 के दशक में बेटी को ऐसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भेजा। आज भी दादी भुआ सब पिता पर दबाव डालते हैं कि आखिर कब शादी करोगे, बेटी 35 साल की होने वाली है। लेकिन मिथाली का एक ही जवाब है, शादी उस व्यक्ति से करूंगी जो क्रिकेट में बाधा नहीं बने। लड़कियों को अक्सर करियर शादी के बाद छोड़ना पड़ता है। भारत सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए मिथाली कहती हैं कि आज देश में खेलों के प्रति माहौल बदला है, समाज भी माहौल बदले और ऐसा लड़का मिले जो उन्हें शादी के बाद भी क्रिकेट उसी तरह खेलने दे। श्रोताओं, माहौल को बदलने का काम आपका है। अपनी बेटियों के लिए ऐसी कोई कहानी लिखिए, अपनी बेटी को लिखने दीजिए, उसकी मदद कीजिए। क्या मालूम अगली बार मैं आपको आपके आसपास की कोई कहानी सुनाऊं? उम्मीद करती हूँ मिथाली राज की जबरदस्त जीवन यात्रा ने आपको रोमांचित किया। आपका भी मन कर रहा है कि क्यों न आपके शहर की कोई कहानी मैं आपको सुनाऊं? तो हमें चिट्ठी लिखिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी का ईमेल आईडी है gandhim@nic.in। आप मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी अपनी स्टोरीज @ministrywcd पर पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप हमें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। हमारा पता है 3rd फ्लोर शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अब वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।